हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा हब। आज की वीडियो यूजी पीजी सभी के लिए बहुत ही खास हो रहने वाली है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, ये सभी एग्ज़ाम्स में ये जो वीडियो है काम करने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सिलेबस वही रहता है, टॉपिक्स वही होते हैं, एक दो चेंजेस कभी आ जाते हैं किसी सेशन में, लेकिन वही सभी जो क्वेश्चंस हैं सिलेबस जो है वही चलता रहता है आपका। तो क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रीवियस ईयर से। जी हाँ, प्रीवियस ईयर आपको बहुत हेल्प करते हैं ये जानने में कि एग्ज़ामिनर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। उससे चाहे कोई भी टॉपिक आए, किसी में उसमें उसका मीनिंग आ जाएगा, किसी में उसके करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, किसी में और चीज़ें पूछ ली जाएंगे, पर टॉपिक वही रहते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। मैं अगर यहाँ बात करूँ यूजी एग्ज़ाम्स की, तो आपके एग्ज़ाम परसों स्टार्ट होने वाले हैं। होप आपने जितनी प्रिपरेशन करनी थी वो कर चुके हैं आप लोग। बस अब टाइम है तो उसको रिविज़न करने का, उसको उस तैयारी को जाँचने का कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बहुत सारी डाल चुकी हूँ। आगे भी अगर आपको किसी की रिक्वायरमेंट होगी सब्जेक्ट की तो मैं वो डाल दूँगी। आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो आप ही के लिए है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर चाहिए तो। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगा के देखने हैं। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलेगा कि वो क्वेश्चन जो आपने तैयार किए हैं वो आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और मैं आपको इस बात का यकीन दिला देती हूँ कि अगर आप के क्वेश्चंस वे सब प्रिपेयर हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर आपका 21 का है, 2 का है, उनमें से कुछ है कि क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन उनमें से नहीं रहेंगे, उससे पिछले टॉपिक से रहेंगे, टॉपिक वे रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस कई बार सेम टू सेम वही, आपने देखा भी होगा कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एज इट इज़। देखिए, जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए नहीं मैं कह रही हूँ, उनके तो मार्क्स बढ़िया आने ही हैं। जिनकी थोड़ी भी किसी को लगता है कि कहीं ढिलाई रह गई है तो मैं उनको यकीन दिला देती हूँ, अगर वे प्रीवियस ईयर अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की जो री है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली अब अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। 50% तो बहुत ही कॉमन सी बात है, आप 50+ भी ला सकते हैं अगर आपके प्रीवियस ईयर अच्छे से रेडी हो गए तो। ये देखिए, ये यहाँ पर आपकी मैंने PU EVNSAM प्रीवियस ईयर के नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपके EVNSAM के वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पूरी आपके मैंने इंग्लिश कंपलसरी, पंजाबी कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करी हैं। इनका आप ज़रूर जो है फ़ायदा उठाएँ, ये आपके बहुत काम आएंगी वीडियोज़। मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम आपके यूनिट के हिसाब से भी बनाई थी कि आप अगर चाहें कुछ यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करके किसी एक यूनिट को उसमें लीव भी कर सकते हैं। जैसे वो मैंने पॉलिटिकल साइंस को लेकर बनाई थी, पर आपका जो भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री भी यूनिट्स में डिवाइड होती है तो वहाँ पर भी वो जो आपकी स्ट्रेटजी है काम कर जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छा क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते हैं, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक अच्छे क्वेश्चन में होनी ही चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।